बिहार पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे वार्ता कर आपको जानकारी देनी थी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, पूरे देश में आपराधिक कानूनों में बड़ा परिवर्तन किया गया है और ये नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाने हैं, जिसके संबंध में नोटिफिकेशन भी निकल गया। तीन बड़े पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट थे। आईपीसी के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अब लागू होगा और 1 जुलाई से पूरे देश में इसको लागू किया जाना है। इन नए कानूनों से बहुत बृहद परिवर्तन आएंगे और उसके लिए बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारियों, जिसमें सभी अनुसंधानकर्ता भी शामिल हैं और सभी सुपरवाइजिंग ऑफिसर भी शामिल हैं, उन सभी को पर्याप्त गहन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। चुनाव की समाप्ति के उपरांत आज 10 जून से ही पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा 3 दिवसीय पहले राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कुल 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को हम इसमें गहन प्रशिक्षण देंगे। 3 अलग अलग फेजेस में ट्रेनिंग होगी। आज जो ट्रेनिंग है वो ज्ञान भवन में प्रारंभ की गई है, 3 दिनों तक चलेगी। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हमारे ट्रेनर्स उपलब्ध हैं। सीआईडी के अंतर्गत सभी ट्रेनर्स और बिहार पुलिस एकेडमी के अंतर्गत उनकी गहन पहले ट्रेनिंग कराई गई। प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने के उपरांत अब उनके माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रत्येक जिले में जितने भी आयु हैं वो वेबकास्टिंग के माध्यम से, उसमें से 1/3 आयु आज वेबकास्टिंग के माध्यम से इससे जुड़े हुए हैं, वो भी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से हम 25,000 लोगों की ट्रेनिंग अगले 10-15 दिनों में पूरी कर लेंगे, जिससे बिहार पुलिस 1 जुलाई 2024 से नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। कि पूरे इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से फॉरेंसिक साइंस यानी विधि विज्ञान का हम प्रयोग कर सकते हैं, और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरह से डिजिटल पुलिसिंग को हम बढ़ावा दें। डिजिटल पुलिसिंग के 2 कंपोनेंट होंगे, अर्थात किस तरह से आयो डिजिटली अपनी चीज़ों को करेंगे, कानून के जो नए बदलाव आएंगे उसको डिजिटली करेंगे, और दूसरी ये कि नागरिकों को किस तरह से हम डिजिटली नई सुविधाएं प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान गंभीर अपराध के घटना स्थल पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य किस तरह से संकलन करना, घटना स्थल की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी किस तरह से करना है, इसके लिए विधि विज्ञान विशेषज्ञ जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा आज के बढ़ते और वैरायटी के जो अपराध हो रहे हैं उसमें इंटरनेट का प्रयोग, मोबाइल फोन का प्रयोग या सोशल मीडिया का प्रयोग हो रहा है, इन सभी के बढ़ते उपयोग के आलोक में पुलिस पदाधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है और कलेक्ट कर कैसे न्यायालय में उसको पेश करना है जिससे अभियुक्तों को सजा मिले, उसके लिए वृहद मानक संचालन प्रक्रिया हमने निर्गत कर दी है। एक पुलिस आदेश निर्गत किया है, उस पुलिस आदेश में सब तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उसके बारे में भी हम आज इन 3 दिवस के कार्यक्रम में प्रशिक्षण दे रहे हैं। अनुसंधान में ये देखा जाता है कि हम लोग इंटरनेट पर जो ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टूल है, किसी का फेसबुक है, किसी का इंस्टाग्राम है, उस पर भी हम लोगों को कई बार इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है और उनके माध्यम से भी बिहार पुलिस कई मामलों का उद्भेदन करती है। तो जो हमारे इंटरनेट पर किसी का सोशल मीडिया प्रोफाइल है, किसी की और कोई जानकारी है या ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टूल्स हमारे उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से किस तरह से हम
डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, उनका भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। डिजिटल पुलिसिंग की जो मेन बुनियाद है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और CCTNS से लिंक है। पिछले एक वर्षों में जैसा हमने आप लोगों को बताया था, CCTNS को हमने स्थापित कर दिया और CCTNS की व्यवस्था अब प्रत्येक थानों में कार्यरत है। प्रत्येक थानों में हमने इसके लिए एक डिजिटली ट्रेंड और कंप्यूटर ट्रेंड एक सिस्टम रखा है, जिसके तहत सभी तरह की अब FIR या जो भी सारी चीज़ें हैं वो अब डिजिटली हम लोग इंटर कर रहे हैं, और जल्द ही हम लोग CCTNS को ICJS के साथ जोड़ देंगे, यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप लोगों को जैसे जानकारी है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कई सारे कंपोनेंट, पुलिस एक कंपोनेंट, न्यायालय एक दूसरा कंपोनेंट, जेल यानी प्रिजन एक उसका अलग कंपोनेंट, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उसका एक कंपोनेंट, और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी उसका कंपोनेंट है, जो न्यायालय में बहस करते हैं और सजा दिलाते हैं। अब पुलिस अपना CCTNS में डिजिटलाइजेशन जब पूरा कर लिया है तो अब हम उसको ICJS से जोड़ते हैं, और ICJS से जोड़ने पर हमारी सीधे जो FIR है वो अब सीधे न्यायालय में सामने दिखे, और न्यायालय के द्वारा किसी अभियुक्त को अगर रिमांड किया गया सीधे कोर्ट में वो दिखाई देगा। ये इंटीग्रेशन का काम अभी चल रहा है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट कर लेंगे, तब इसके बारे में भी आईओ को हम लोग ट्रेनिंग दें। कहने का अर्थ यह है कि आगे आने वाले दिनों में नए कानूनों को लागू करने की जो तिथि निर्धारित है 1 जुलाई 2024, जो तीनों हमारे नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके बारे में तो हम ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, हम फॉरेंसिक साइंस को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं, और डिजिटल पुलिसिंग हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सभी आयु को दक्ष बना रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, इसके लिए वृहद पैमाने पर हम तैयारी कर रहे हैं, शीघ्र ही उनको परचेज करके देंगे। इसके लिए हमने वृहद प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है, इसके माध्यम से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, पीड़ित गवाहों का बयान, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि सभी काम आयोग बहुत सुलभता से कर सकेंगे। हर आयोग को एक जो लैपटॉप दिया जाएगा उसमें उस आयोग का कोड रहेगा, जैसे ही FIR दर्ज होगी थाना प्रभारी अपने लैपटॉप से उसको इंडिकेट करेंगे, वो आयोग को सीधे FIR चली जाएगी और कोर्ट को चली जाएगी। आयोग अब फिर अपने लैपटॉप पे जा करके केस डायरी भी ऑनलाइन लिख सकते, तो इस तरह की अरेंजमेंट हम लोग बहुत जल्दी लागू कर देंगे। तो इस डिजिटल पुलिसिंग की भी ट्रेनिंग हम इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में कर रहे हैं, और इससे बेहतर अनुसंधान होगा, कांडों का उद्भेदन अच्छा होगा, अनुसंधान में तेजी आएगी, और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल एविडेंस है वो उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, लोगों का बयान लेने में लिखने में और बताने में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन किसी का फिंगरप्रिंट है, किसी का फोटो है, किसी की जो आँख की पुतली आयरिस जिसको बोलते हैं, उस आयरिस के अगर रिकॉर्ड घटना स्थल से मिल गए और वो डिजिटल डेटाबेस से हमारे मैच कर गए तो उस अपराधी को निश्चित रूप से सजा होगी। कोर्ट के द्वारा भी फॉरेंसिक साइंस एविडेंस को बहुत महत्व दिया गया है, उसके मद्देनज़र बिहार पुलिस की बड़ी तैयारी नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में सक्षम और दक्ष बनाए जाने के लिए लगातार प्रशिक्षण की श्रृंखला में आज पहले दिन उसका उद्घाटन किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम ये चल रहा है, पहला फेज, इसके तुरंत बाद दूसरा फेज, तीसरा फेज, कुल 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को नए कानूनों को लागू करने, डिजिटल पुलिसिंग और फॉरेंसिक पुलिसिंग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं, और इस संबंध में आज इस प्रेस वार्ता करके, और कुर्की भी न्यायालय से डिजिटली ही मिलेगा और वो सीधे थाने में आएगा, और थाने में किस आयोग को उसको दिया गया उससे उसका रिकॉर्ड भी मिलाने में बहुत सुविधा रहेगी। कई बार वारंट कुर्की का रिकॉर्ड नहीं मिल पाता है, कोर्ट से चला और वो SP ऑफिस में गया, SP ऑफिस से फिर थाने पर गया, नहीं मिलता है, रिप्लेस हो जाता है, वारंट कुर्की का वो कागज ही कई बार फट जाता है, तो अब उस तरह से हमारे रिकॉर्ड
इलेक्ट्रॉनिकली जब मूव करेंगे तो तेजी आएगी, इससे आप आओगे डिटेल। इसमें हम फॉरेंसिक साइंस और डिजिटल पुलिसिंग से नागरिकों को कैसे किस तरह से फायदा होगा और इसके बारे में लगातार हम लोग आपको आगे भी जानकारी देंगे। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको विस्तृत रूप से इसको बताएंगे। थैंक यू। होगा और अपराधियों को बहुत तेजी से सजा होगी। अभी हम लोग CCTNS को हमने इसमें लागू कर दिया, ICJS में जैसे ही लागू हो जाएगा। और इसमें आपको एक चीज और बताते हैं, हम डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले वीक में फिर करेंगे। एक सिपाही है, सिपाही संख्या 16, वो ATS में पोस्टेड था, आपके संज्ञान में ही मामला होगा। 2014 में ATS में पोस्टिंग हुई थी उनकी और आज वो 10 साल से ATS में ही पोस्टेड है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी पुलिस मुख्यालय को लिखा था लेकिन आज तक उनकी पोस्टिंग वहां से नहीं की। आपने संज्ञान में लाया, इसको हम देख लेंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा नहीं है, इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेते हैं। थैंक यू। सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीन नए कानून जुलाई 1 से स्टार्ट होने वाला है। तो इसी के क्रम में जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा हाइब्रिड मोड में ज्ञान भवन पटना से ट्रेनिंग चलाया जा रहा है और उसका सीधा प्रसारण यहाँ भी हम लोग इंटरनेट के माध्यम से पूरा जिला के हमारा पुलिस पदाधिकारी ASI से लेकर SP रैंक तक इवन DI सब भी बैठे हम लोगों का ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं नए कानून के बारे में। और इस नए कानून में जो भी चेंजेस हुए हैं कानून में उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल एविडेंस और जो अभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की आजकल नया जो डिजिटल एविडेंस में महत्व दिया जा रहा है, सारे उसमें जो साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम लोग सब लोग यहाँ बैठ के प्रशिक्षण ले रहे हैं। कितने दिन का ये चलेगा कार्यक्रम? ये एक तीन फेजेस में चल रहा है, एक फेज में 3 दिन का, टोटल 10 दिन तक चलेगा और 10 तारीख के लगातार 20 तारीख तक चलता रहेगा। फेज वाइज अलग अलग पदाधिकारी लोगों को, अलग अलग थाना प्रभारी, अलग अलग जो DSP लोग हैं, अलग अलग दिन आएंगे और वो ट्रेनिंग लेंगे। किस किस रैंक के पदाधिकारी इसमें ट्रेनिंग लेंगे? ASI, SI, PTC है और सकल इंस्पेक्टर है, DSP है और SP रैंक पे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है जी, मुख्यालय से वहाँ सीधा प्रसारण चल रहा है कि VC के माध्यम से चल रहा है। सर एक चीज़ जानकारी लेता है।